में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरैना पहुंचे नरेश सिंह तोमर का भव्य स्वागत। कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी, सरेआम हुई हाथापाई। अब सिर्फ आईडी प्रूफ वाले ही छात्र छात्राओं को मिल सकेगा प्रवेश। और महिलाओं पर होते अत्याचारों को लेकर हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आज शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में दो गुट भिड़ गए। नेताओं के बीच हुई जूतम पैजार को सबने देखा। अपनी इसी गुटबाजी के दम पर कांग्रेस 2013 का मिशन फतेह का सपना देख रही है। स्थापना दिवस पर गुटबाजी बढ़ाने का उचित है? यार माहौल खराब कर रहा है यार, तुम्हें मीडिया के सामने ऐसे समय पागल हो गया क्या? पार्टी की व्यवस्था में दिखाइए अपना, ऐसे समय में अच्छा लगता है आप नीचे स्थापना दिवस में ऐसे में अच्छा ही लगता ना, तुम्हें बात करना अकेले में चलो बैठ जाओ, सब मीडिया के सामने बोलेंगे आप दिल्ली गैंग रेप में दोषियों को फांसी मिलने की संभावना के बारे में हमारे चैनल हेड आलोक जैन ने युवा अभिभाषक संजय सिंह से बात की और धारा 376 के बारे में जाना। अच्छा हुआ है फांसी देने की मांग की जा रही है आरोपियों को, क्या 376 की धारा में फांसी दी जा सकती है? नहीं, एक्चुअली जो मांग की जा रही है वो है कि उसमें 376 जो सेक्शन है आईपीसी का उसमें अमेंडमेंट करने की, क्योंकि अभी वर्तमान में जो इसमें 376 में आजीवन कारावास का प्रोविजन है
तो उसकी मांग हो रही है कि इसमें फांसी दी जाना चाहिए, इससे अपराधियों को रोका जा सके, इस तरह की बात है। क्या 376 की धारा में फांसी देने के बाद अपराधों में कमी आएगी, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ये तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि उसमें फांसी का प्रोविजन हो गया तो अपराध होंगे नहीं है जो भी, क्योंकि 302 है उसमें भी फांसी की सजा है और आए दिन हत्या हो रही है, तो ये हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। पर ठीक है, कठोर कानून बना देना इससे कुछ हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। 376 में भी फांसी की सजा को कर दिया जाता है तो उसमें ये भी हो सकता है कि अपराधी साक्ष्य को मिटाने की दृष्टि से विक्टिम है जो प्रोसिक्यूटर है उसकी हत्या भी कर दे, तो एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध भी घटित हो सकता है, तो ये एक इसका नेगेटिव पहलू भी है मेरे हिसाब से। वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए? हाँ, महिलाओं को एक्चुअली सही बात तो ये है कि बहस इस बात पर होनी चाहिए कि अपराधों को रोका कैसे जाए, है ना? जो बहस चल रही है देश में कि फांसी की सजा हो, और ये हाँ, यहाँ एक चीज जो कहना चाहूंगा कि लड़कियों को खुद सतर्क रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि रात में अकेले ना जाएं, और होशियार रहना चाहिए, हमें खुद अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, और अपराध होने का कारण यही है जैसे जो दिल्ली में हुआ, रात में थी वो महिला, तो प्रयास ये होना चाहिए कि दिन में अपने काम निपटा लें और अलर्ट रहे। कुल मिला के एक ही बात है, ये हर स्टेप पे ये सोचना चाहिए कि अपराध हो सकता है। पुरुषों के साथ भी होता है कि आज अकेले जहां पुरुष भी जाएंगे तो लूट हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, अपराध कहीं भी हो सकते हैं, सुनसान में जाने से बचना चाहिए, बस सार्वजनिक स्थान पर रहें। ग्वालियर में भी 8 माह पहले एक गैंगरेप हुआ था, जिसमें मामला भी विचाराधीन है और केस चल रहा है, उसके बारे में कुछ क्या उनको न्याय मिल पाएगा पीड़ित को? न्यायालय में है विचाराधीन, आफ्टर एविडेंस और निश्चित न्याय मिलेगा उसको, तो काफी लंबी प्रक्रिया है, तब तक वो तो एक साक्ष्य के बाद ही डिसाइड होता है, न्यायालय की प्रक्रिया है वो पूरी होगी आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, सब कुछ डिसाइड किया जाता है, और उसमें मैं बिल्कुल आशान्वित हूँ कि उसमें न्याय मिले। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी घोषणा की गई है, संबंध में क्या उससे अंतर आएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी भी है और उनको एक्सटेंड भी किया गया है, और उससे फायदा यही होगा कि ट्रायल जल्दी होगी, बस शीघ्र ट्रायल, बाकी आफ्टर एविडेंस ये होगा कि वो अपराधी को सजा होती है या नहीं होती है एक अलग बात है, बाकी फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा ये है कि ट्रायल को जल्दी कंक्लूड किया जा सकता है, तो अगर उसको सजा होनी है तो जल्दी हो सजा उससे, और ऐसा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है किसी एक केस में कि जो स्पीडी ट्रायल है वो व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, तो इसलिए शीघ्र विचारण होना चाहिए, तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये फर्स्ट कोर्ट है और होना चाहिए। अच्छा, धन्यवाद। मुरैना लोकसभा के सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के भारतीय जनता पार्टी के पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मुरैना आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्य इकाई का नया निर्वाचन हुआ है और मुझे उसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। निश्चित रूप से मेरे सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि यह चुनाव का वर्ष है और चुनाव वर्ष में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, इस सरकार को दोबारा बनाना यह हम सब कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्राणपण से जुटेंगे और निश्चित रूप से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे और 2013 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ऐसा हम सब लोगों का संकल्प है। जी भाई, जो बलात्कार की घटना हो तो फांसी देने की मांग उठ रही है, तो क्या आप चाहते हैं इस तरह का
कुछ कड़े प्रावधान आए जिससे महिला उत्पीड़न रोका जा सके। दिल्ली में जो गैंग रेप की घटना हुई वह देशव्यापी घटना बन गई। उस घटना को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा स्वराज जी ने यह सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, इस विषय पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए और कठोर कानून बनाना चाहिए और कानून में फांसी की सजा का ऐसी घटनाओं में प्रावधान होना चाहिए। उसके लिए हमारे पार्टी के नेता महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना पर भी यूपीए सरकार के लोगों ने संसद का विशेष सत्र बुलाकर और विचार विमर्श करना उचित नहीं समझा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो ही ये मामला प्रकाश में आया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सभी आला अफसरों के साथ बैठक की, हेल्पलाइन उन्होंने शुरू की ऐसे सवालों पर मदद उपलब्ध कराने के लिए, पुलिस को भी कड़ाई बरतने के लिए कहा, कठोर कानून बनाने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने की और उन्होंने कहा हम अपने यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाएंगे जिससे इस प्रकार के अपराधियों को सजा मिले। मैं चाहता हूँ कि राज्य में जो मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसने जो कदम उठाए हैं कि अध्यक्ष बनने पर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा श्योपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। महिलाओं पर होते अत्याचार और शोषण के संबंध में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में किया गया। सेमिनार में पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में विशेष जाति पंचायत दायरे में नहीं आते, लेकिन उनको भी कानून के दायरे में लाना जरूरी है। उस पर एक जो नेशनल लेवल पर आज डिबेट चल रही है उसको बहुत छोटे छोटे, अगर जैसे आप अभी देखोगे, मैं एक प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा, 66 का मुलजिम बना सकते हो उसमें, मतलब किसी साक्षी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सजा होगी कि नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है ये प्रभाव। इतनी जल्दी कानून बन रहे हैं और कौन कानून आ जाता है। मैडम कहाँ आप उस दिन गई थी, कहाँ भागलपुर गई थी, पता नहीं कहाँ गई, और हमने और कलेक्टर साहब ने इनसे पूछा, इनने कहा मेरा कहना आपको है कि आप ये नहीं है कि आप पुलिस अफसर हैं कि बस कोई फरियादी आया आपने एफआईआर काटी, नो। जैसे आज एक थोड़ी घटना हुई थी, ये किसी के वहां कोई चोर घुस गए थे, एफआईआर करनी थी, सीएसपी रैंक के अधिकारी वो है जिसके पास ज्ञान है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट। तो बेसिकली जो बच्चों को और महिलाओं को किस तरह हम बेहतर न्याय दिला सकते हैं, बेहतर उनको प्रोटेक्शन दिला सकते हैं, उस संदर्भ में एक दिवसीय सेमिनार रखा है जिसमें माननीय सुप्रीम हाईकोर्ट के कुछ डिप्टी एडवोकेट जनरल से हैं और चाइल्ड लाइन CWC हमारे पुलिस के पूरे चारों जिलों के अधिकारी हैं। मुझे लगता है इस डिस्कशन के बाद कुछ एक जो जो हमारी कमियां हैं या जो हम चाहते हैं और बेहतर कर सकते हैं, हम विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द आगे और अच्छा बेहतर काम। ड्रामा सेंटर की बिजली किल्लत को दूर करने के लिए 125 केवी जनरेटर का उद्घाटन डीन GRMC एवं अधीक्षक जयारोग चिकित्सालय की मौजूदगी में किया गया। जी बिल्कुल, आपका बात सही है कि ट्रामा सेंटर में जो इमरजेंसी में जो पेशेंट होता है, जैसे ऑपरेशन चल रहा है उसमें लाइट चली जाती थी, तो उसके लिए अपन ने फर्स्ट फेज में ये अपन ने अभी चालू कर दिया। दो तीन दिन पहले थोड़ी सी घटना हुई थी जो आप लोगों ने भी बताया था, उसके रेफरेंस में ये आज चालू कर दिया है। और माननीय मंत्री जी का भी निर्देश थे कि बिना कोई फॉर्मेलिटी किए आप मरीजों की सुविधा के लिए आप अपने अपने स्तर पर तुरंत चालू कीजिए। तो इस तरीके से आज अपन ये पहला अपन चालू कर रहे हैं ट्रामा सेंटर के लिए। दो और जो है उनका भी स्टेशन का जो बन रहा है और जिसे
चटर्जी साहब से बताया जो इनके मतलब फिर अगर देख रहे हैं एक हफ्ते के अंदर वो भी दो भी हम चालू कर देंगे जी। 125 पूर्व अभियंता मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी एसके पचनंदा को सुबह तड़के दो बदमाशों ने लूट लिया। बदमाश पचनंदा से सोने की चेन और 10,000 रुपए लूट कर ले गए। भोजन जो लिखा होता है मेरा तो मानना है कि जान बचती है नहीं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रही आपकी इसलिए घटना रही आपके साथ। लगभग 4 बजे का समय था सुबह, हमारे बेडरूम में खिड़की तोड़कर अंदर आ गए थे और आने के बाद उन्होंने अपने चाकू निकाला और हमको जगाया और कैश और गोल्ड की डिमांड की। कितना कैश ले गए क्या? करीब 10-12 हज़ार रुपये कैश था घर में और गोल्ड की चेन थी मेरी, वो ले गए। एटीएम कार्ड वगैरह? एटीएम कार्ड, मेरा पर्स ले गए, उस पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, सारी चीजें थी। आधार वगैरह लिए हुए थे? कितने लोग थे? शाकू लिए हुए थे, दो लोग थे। दो लोग थे सर। इसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने? पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया मैंने और पुलिस इमीडिएटली आ भी गई थी और उन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 15 मिनट बाद एसपी साहब भी आ गए थे और बाकी सारे पुलिस ने पूरा सहयोग किया। इसमें चेहरा भानु वेरिया ओपन ओपन थे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज। देह छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा छोटी सी आशा। क्या आप में संतान है? समाधान है। फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ। 12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं। टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला। संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र, होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 07512376655, फैक्स 07512375555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सराय छोला थाना अंतर्गत मुरैना से आगरा की ओर गायों से भरा ट्रक ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की मदद से पकड़ लिया। गायों को जब गौशाला में निकाला गया तो उसमें 10 गायें मृत निकली। ऊपर नीचे डॉल भरे बैठा दो सर्दी।
सर, ये गायों से भरा ट्रक है, क्या मामला है, क्या घटना है, ये इसके बारे में बताएं। ये एक सूचना मिली थी थाने पर गांव वालों की तरफ से कि कुछ गोवंश को काफ़ी गाय और मछली उस मात्रा में काफ़ी में है, उनको अवैध परिवहन करके अपने यूपी साइड या धौलपुर साइड कहीं ले जाया जा रहा है। सूचना पर से पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस ने गाड़ी की जब पता लगाने की कोशिश की, रोड पे हम लोग आए तो ये गाड़ी MP09 HG 2130 करके ये अल्लावेली के पास खड़ी अवस्था में मिली, जिसको ट्रक का ड्राइवर और जो भी साथ में कोई भी आदमी था, त्रिपाल से गाड़ी पूरी पैक थी, उसको छोड़ के भाग गया। पार्टी भाग गई? हाँ, पार्टी भाग गई, हम लोग के पहुँचने से पहले ही भाग गई थी, उनको चूंकि पता लग गया होगा या जो भी हो, तो वहाँ से छोड़ के भाग गए। उसमें काफ़ी मात्रा में गाय और बछड़े उसमें अंदर थे, जिसमें कुछ 7-8 करीब तो मृत पाए गए हैं गाय और बछड़े, बाकी सब लेके हम यहाँ पर आ गए। इसकी कोई जानकारी मिल पाएगी, गाड़ी कहाँ से आ रही थी और किसकी थी? नहीं, ये गाड़ी मुरैना साइड से आ रही है, इसके मालिक का और उसका ड्राइवर का तो अभी पता नहीं चल रहा है। आगरा की ओर जा रही है? आगरा की ओर जा रही थी गाड़ी, संभवतः आगे विवेचना में मालूम चल जाएगा क्योंकि गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर डला हुआ है। हाँ राजपूत जी, आप ये बताएं कि गाड़ी गौशाला में आ गई है और यहाँ मुरैना प्रशासन की तरफ से किस तरह की यहाँ सामने क्रिया हुई या नहीं हुई, क्या मौके पर नगरपालिका के अधिकारी यहाँ आए या नहीं आए? गाड़ी की सूचना तो हमें मिल गई है, गाड़ी आ भी गई है, उसके बाद डॉक्टर वेटनरी भी यहाँ गिड़ी आ गए हैं और उनके डॉक्टर्स भी आकर के उनको जो कमज़ोर हैं या चोटिल हैं उनका उपचार कर रहे हैं। नगर पालिका की गाड़ी अभी नहीं आई है, लेकिन वो आने वाली है, उन्होंने बोल दिया है कि हमने पहुँचा रहे हैं जो मृत पशुओं को उठाने के लिए। तो अब ये जैसे यहाँ जो गाय आई हैं गौशाला के अंदर, अब इनका क्या मतलब आगे क्या रहेगा? देखो अभी तो कुछ नहीं है, जब जब्त किया है तो किसी पंजीबद्ध गौशाला के निमित्त इनको सौंपा जाएगा। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ इन गायों की सेवा करते हैं, समाज के सहयोग से चारा भूसा इकट्ठा करके यहाँ हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं इनकी, पिछले 3 महीने से कर रहे हैं और यहाँ संख्या लगभग गोवंश की आप देख सकते हैं 800 के आसपास है। तो यहाँ से क्या ये कहीं अलग शिफ्ट की जाती है या यहीं से आप लोग सेवाएं करते हैं? हम यहीं सेवा करते हैं। शिवाजी विश्वविद्यालय में अब सिर्फ उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा जिनके पास आईडी प्रूफ होगा। देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की यह योजना कितनी सफल हो सकेगी। ठीक है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर धरना दिया, उनका कहना था कि दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। ये वो जमात है जो इंदिरा गांधी जवाहरलाल भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। केंद्र सरकार आज आप लोगों के द्वारा कलेक्ट्रेट पर जो प्रदर्शन किया गया है, क्या मामला है? मामला जो केंद्र सरकार में सरेआम बस में एक लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसके उस जो असुरक्षा के बीच में हमारी महिला केंद्र सरकार में असुरक्षित हैं, उसी के विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया। महिला मंडल ने, बीजेपी महिला मंडल ने सभी मिलकर विरोध जताया है और उसके विरोध में हम आगे भी आंदोलन करेंगे। हमारी जो महिलाएं केंद्र सरकार में, जो केंद्र में सरकार बैठी है, कांग्रेस सरकार बैठी है, उसके खिलाफ हमारी महिला आक्रोशित हैं और आए दिन केंद्र, जब केंद्र सरकार में हमारी महिला, केंद्र में हमारी महिला सुरक्षित नहीं है तो और जगह हमारी महिला सुरक्षित कहाँ होगी? ऐसी जो निकम्मी सरकार है जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है, ऐसी निकम्मी सरकार मनमोहन सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए और नहीं बदलेंगी तो हमारी महिला आंदोलन करेंगी स्वयं। और हम राष्ट्रपति से अपील करते हैं कि इस तरह का कानून बने महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए, तो उनको दोषियों को फांसी की सजा मिले, उन पर कोई रहम ना हो। अगर और अगर उनको फांसी की सजा नहीं दी गई तो महिलाएं सड़क पर उतर के आंदोलन करने पर उतारू होंगी और केंद्र सरकार के खिलाफ सभी मिलकर जारी रहेगा। केंद्र सरकार ही ऐसा। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मुरैना पहुंचे नरेश सिंह तोमर का भव्य स्वागत। कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी, सरेआम हुई हाथापाई।
अब सिर्फ आईडी प्रूफ वाले ही छात्र छात्राओं को मिल सकेगा प्रवेश। और महिलाओं पर होते अत्याचारों को लेकर हुआ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए साथ दीजिए, नमस्कार।